sort in participants कि वो नोट जरूर बनाए। तो अगर आपके पास बाई चांस पेन है और पेपर है तो नोट जरूर बनाए। पूरे प्रोग्राम के अंदर तीन चार बातें ऐसी होंगी जो आपकी जिंदगी बदल देंगी, कंफर्म है जिंदगी बदल देंगी। और नहीं बना सकते तो सेलफोन आपके पास होगा, उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे इजी तरीका होगा, आपके बगल में कोई बैठ गया हो तो सेलफोन से रिकॉर्ड कर लेंगे, भी होता है वो भी लिख सकते हैं। और फिर जाके उस पर भी लिख सकते हैं, सेलफोन पर भी नोट पैड होता है उस पर भी आप लिख सकते हैं। और फिर जाके इस पर काम करें आप, और फिर 90 दिन में आप देखें कि आप एज अ पेरेंट कहां पहुंचे हैं। मुझे दुनिया के 100 देशों में YouTube के द्वारा देखा जाता है और मुझे लगभग हर रोज 1750 लोग रोज देखते हैं पूरे 100 देशों से। और मैं बहुत विषयों पे ट्रेनिंग देता हूँ, 1 घंटे से लेके 2 घंटे, 2 दिन 3 दिन इस तरह की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ज्यादातर मैं लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग स्किल, इन सब पे बात करता हूँ। आज हम 3 विषयों को कंबाइन करने जा रहे हैं, एक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, दूसरा लीडरशिप, तीसरा लाइफ मैनेजमेंट स्किल। क्या ये सब्जेक्ट ठीक रहेगा आज के लिए? हाथ उठाएं जरा जोर से और जोर से यस बोले एक बार, थोड़ा पार्टिसिपेट करें। एक तो ये कि चेहरे को इजी रखिएगा, थोड़ा मुस्कुराइएगा, जिंदगी की सबसे बढ़िया हथियार है चेहरे पर मुस्कुराहट रखना। और दूसरी बात ये कि जब भी मैं कोई बात पूछूं और मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं तो जरूर से यस उठा कहिएगा, आज जरूर उठाइएगा। यहां तक अगर बात ठीक है तो एक बार जरूर यस कह दीजिए, यस बहुत बढ़िया। ये 3-4 बातें अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार जरा जोर से यस कह के मुझे फाइनल कर दीजिए, यस ओके। दोस्तों मैं अपनी कहानी से आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं, क्योंकि पेरेंटिंग पर मैं बोलने जा रहा हूं। मुझे 16 जून 1971 को मेरे पेरेंट्स ने लॉन्च किया था। ठीक रहेगा ऐसे शुरुआत करना? The day I was launched, it was 16 June 1971, और मैं घर का 9th मेंबर था। मेरे पिता का देहांत जब मैं 21 साल का था तब हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ 20 साल का समय बिताया है। कलकत्ते शहर में पला बड़ा हुआ, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ ब्यूटीफुल सिटी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नोट कीजिएगा। और मेरी पढ़ाई एक साधारण स्कूल में हुई है, सरकारी स्कूल में हुई। दुर्भाग्य का विषय यह रहा कि मेरे पिताजी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। जीवन की रोजमर्रा की तकलीफों ने और रोज बिजनेस प्रेशर ने उनको बहुत नेगेटिव इंसान बना दिया। और मैंने अपनी जिंदगी में 20 साल की उम्र तक, टिल द 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ, एक भी ऐसा दिन नहीं देखा जहां मैंने उनको गुस्से में ना देखा हो। मुझे एक भी पल याद नहीं है जहां पिताजी ने मुझे गले लगा के ये कहा हुआ है कि आई लव यू, क्योंकि हमारे यहाँ गाली देना बड़ा इजी होता है, आई लव यू कहना बड़ा टफ होता है। रिस्पॉन्स कीजिएगा प्लीज जोर से। किसी को अब्यूज करना बड़ा इजी है, किसी को ह्यूमिलिएट करना बड़ा इजी है, किसी को क्रिटिसाइज करना बड़ा इजी है, बट किसी को मुस्कुरा के कहना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये बहुत, ये मेरी जिंदगी थी। एक तरफ मेरा कल्चर वाला माहौल, एक तरफ मेरे पिता वाला माहौल। मैं अक्सर अपने मन में सोचता था कि ईश्वर मुझे लॉन्च करने के पहले पूछ लेता कहाँ लॉन्च करना है। जब मैं लॉन्च हो गया तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारी किस्मत में यही फैमिली लिखी हुई थी। तो मैंने कहा मैं अगली बार ईश्वर से पूछूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर लॉन्च करना हो तो मुझसे परमिशन जरूर लें, क्योंकि इतनी परमिशन तो मुझे मिलनी चाहिए कि मैं अपनी ख्वाहिश बता सकूं। जो भी हो, मैं जिंदगी में आगे बढ़ा और बढ़ते 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 मैंने एक चीज पाई, और मैंने ये पाई कि इस चुनौती भरे माहौल में, सारे पेरेंट ध्यान से सुनेंगे, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं प्रोग्राम, इस चुनौती भरे माहौल में जहां रोज गालियों का माहौल है, दिल्ली वाली गालियां, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं बच्चों को गालियों से संबोधित करने में। एक 4 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के पास आके पहली बार कहता है, पिताजी मेरे स्कूल ने एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करवाई है जिसमें मेरे भीतर का हुनर क्या है वो पता लग गया है। 4 साल की उम्र में इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग द आइडिया व्हाट इज हिज नेचुरल पोटेंशियल, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अगर ये है तो एक बात फिर, 4 साल का बच्चा लौटता है और पिताजी को कहता है, 4 साल एक बढ़िया उम्र है बच्चे की समझदारी को बयान करने के लिए। और बच्चा पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने अपना पोटेंशियल डिस्कवर किया है, मुझे पता लग गया है मेरे भीतर मेरे DNA में क्या छुपा हुआ है। और पिताजी, टिपिकल पिताजी, जिनको सेंसिटिविटी शब्द का आइडिया नहीं है, जिनको फिजिकल टच का आइडिया नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि एक बार अगर बच्चे को ये कह दिया जाए तेरे बस की कुछ नहीं है तो सारी जिंदगी उसके मन में बात चली जाती है। पहुंच रहा हूं तो हाथ उठाएंगे, ये धीरे धीरे मैं जाऊंगा।
तो पिताजी ने किस बॉडी लैंग्वेज से बच्चे को जवाब दिया, जरा ध्यान से देखें। और जितने पेरेंट्स यहां बैठे हैं, अगर इस बॉडी लैंग्वेज से आप अपने बच्चे को, पत्नी पर मैं बाद में आता हूं, पत्नी पर मैं बाद में आता हूं, पहले बच्चे से एंट्री करूंगा फिर पत्नी पर जाऊंगा। इस बॉडी लैंग्वेज से अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं, आज सुना क्या बताया स्कूल ने, बच्चे का जोश तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, मेरी बात अगर सही है तो। क्योंकि पिताजी को जल्दी है, जल्दी मतलब उनको अर्जेंट काम करने, इंपॉर्टेंट काम नहीं करने। अर्जेंट काम यह है कि दुकान खोलना, अर्जेंट काम यह है कोई कोटेशन भेजना, अर्जेंट काम यह है थोड़े पैसे गिनना, इंपॉर्टेंट काम है जो बच्चा कहने जा रहा है उसको सुनना। पिताजी ने कहा सुना, बच्चे ने कहा ऐसे नहीं, अदब से पेश आइए। क्योंकि बच्चे ने अपना टैलेंट डिस्कवर किया था कि उसके अंदर शायर छुपा हुआ है। शायरी करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रोफेशन। कविता लिखना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रोफेशन। लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट को प्रोफेशन बनने की कला नहीं सिखाई जाती। स्कूल्स में इस तरह का करिकुलम डेवलप नहीं हुआ है, या एजुकेशन सिस्टम की कमी बता लीजिए, जहां बचपन में ही बता दिया जाए कि तेरे अंदर क्या गुण छुपे हुए। बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं समझता हूं कि मैं बहुत अच्छा शायर बन सकता हूं, एक शायरी मैंने लिखी है, आप सुन लें। पिताजी का तो वैसे ही जोश ठंडा पड़ गया था, क्योंकि इसको दुकान पे बैठना था। पिता ने कहा सुना, और जिस अदब से उन्होंने कहा सुना, समझ में आ गया था कि इसको थप्पड़ पड़ने वाला। और बच्चे ने बड़े प्यार से, इनोसेंट बच्चा है, पैंट पकड़ते हुए पिताजी को शायरी सुना रहा है। जब भी बच्चा पैंट पकड़े तो समझ लीजिएगा वो डर से पूरी तरह घिरा हुआ है। पहुंच रहा हूं मैं आप तक। पैंट पकड़ना, गला सूख जाना, नमस्ते झुक के बात करना, ये सारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साइन होते हैं, और मैं धीरे धीरे बताऊंगा इससे कैसे निकाला जाए। और अगर आपने मुझे ध्यान से सुन लिया तो कल सुबह आप नए पेरेंट होंगे, और कल सुबह आपका बच्चा नया होगा। बच्चे ने गले सूखते हुए गले से वो शायरी सुनाई, पिताजी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी नाव, कश्ती वर्ड अभी ट्रेंड नहीं हुआ है, उर्दू का वर्ड है, हमारी नाव वहां डूब गई जहां पानी बहुत कम। 4 साल का बच्चा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अच्छे पेरेंट हैं, 4 साल का बच्चा अगर आपको इतनी बात सुना दे 4 लाइन में, तो आप उसको क्या करेंगे? जोर से रिस्पॉन्स करेंगे, एक हग देंगे, एक पप्पी देंगे, एक अच्छी बात कहेंगे, कहेंगे बेटे कैरी ऑन। लेकिन ये वर्ड हमारे मुंह से निकलते नहीं है, कैरी ऑन। पिताजी ने बच्चे को बुलाया, इधर आ, मैं समझ रहा था तू कुछ घोटाला करे। और बच्चे का कान पकड़ के कहा, तुम तो थे बेवकूफ, तुम्हारे में कहां दम था, और नाव वहां ले जाने की क्या जरूरत थी जहां पानी बहुत कम था। ये थोड़ा मजाक मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन मजाक की गहराई को समझिएगा दोस्तों। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कोई है, इस बात पर जरा पकड़िएगा, तो एक बेहतरीन पेरेंट बनना, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। पेरेंट बनना एक तरह से ताजमहल बनाने की तरह है, जहां हर रोज आपको नक्काशी का काम करना पड़ेगा। तब वो ताजमहल तैयार होगा आपको भी नहीं पता है। शायद ताजमहल बनाने के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, और आपको ये लग सकता है दूसरों को देखकर मेरी जिंदगी इसी में निकल गई, मैं पहुंच रहा हूं तो रिस्पॉन्स करेंगे जब। और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, क्या मैं इसीलिए पैदा हुई हूं, क्या मेरी शादी इसीलिए हुई है, जो मैं आजकल सुनने को मुझे मिलता है, क्योंकि मैं हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग भी करता हूं। 20 साल की उम्र तक मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स के प्रति बड़ी नकारात्मकता थी। मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी ने ना मुझे कोई पिकनिक अलाउ की, मुझे स्विट्जरलैंड पढ़ने जाना था, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं जब भी उनसे कहता था कि पिताजी मुझे ये चाहिए, उनका एक ही डायलॉग था, आई कांट अफोर्ड, ये गाना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, आई कांट अफोर्ड। 20 साल की उम्र, तो मुझे लगता था कि जो भी चीज मैंने उनसे मांगी, उनका एक ही उत्तर था, आई कांट अफोर्ड। उन्होंने ये नहीं सोचा हाउ कैन आई अफोर्ड, इस पर सोचते तो काम और बन जाता। तो जितने मेरे मित्र यहां बैठे हैं, अगर बेहतरीन पेरेंट बनना, एक लीडरशिप क्वालिटी वाला पेरेंट बनना, ये लीडरशिप वर्ड कोई कॉर्पोरेट वर्ड नहीं है। लीडरशिप हैज नथिंग टू डू विद अ सीईओ, प्लीज अंडरस्टैंड। जो भी व्यक्ति लीड लेना जानता है, अपनी फैमिली को संभालना जानता है, अपनी प्राथमिकता को बैलेंस करना जानता है, वही लीडर है। इसको समझिए,
पहला काम आपको यह सोचना है कि मुझे अपनी प्राथमिकता और सपनों में बैलेंस करना है। तो आप जाने के बाद, अभी तो हो नहीं पाएगा, जाने के बाद मैं चाहता हूं आप एक लिस्ट बनाएं, आने वाले 10 साल में मैं अपने परिवार को कहां देखना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को कैसा देखना चाहता हूं, मेरे परिवार का माहौल कैसा, कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं ड्रॉइंग रूम पर बुलाना चाहूंगी और कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं ये लोग खाने के टेबल पर बुलाना चाहूंगी। सभी ड्रॉइंग रूम वाले खाने के टेबल के लायक नहीं होते, एग्री करें तो राहत है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन मेरे अपने हैं कौन मेरे सपने हैं। आपको ये क्लियर करो कि अगर आपको लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, माफ कीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन आपको भड़का रहा है, कौन आपको जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। तो पहला पड़ाव है अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, कि आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपके सपने भी क्लियर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं कर रहा हूं, वो कौन सी चीज है जिसकी कमी आप महसूस करती है या करते हैं, वो कोई हुनर हो सकता है, वो कोई भाषा हो सकती है। बच्चे आज की डेट में इतना कॉन्शियस है पेरेंट्स को लेकर कि पीटीएम मीटिंग में पहले कह देते हैं मम्मी ड्रेस ठीक से पहन के आना। मैं ठीक बोल रहा हूँ आप खाएंगे ना, पहले कह देते हैं ड्रेसिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि बच्चा चाहता है मेरी माँ बहुत खूबसूरत लगे, मेरे पिताजी बड़े खूबसूरत लगे। तो सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि आप जब भी जाए ये आदत डाल दीजिए, ये बिल्कुल अपने अंदर आदत डाल दीजिए, जब भी जाए बच्चे के साथ या जब भी कहीं निकले तो आप बहुत खूबसूरत दिखने चाहिए। क्योंकि कहते हैं पहले 10 सेकंड में इंसान ये पता लगा लेता है कि इस व्यक्ति के साथ मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं। तो एक तो हो गई आपकी प्राथमिकता और सपने, दूसरे हो गए आपकी भाषा, तीसरी हो गई आपकी ड्रेसिंग सेंस, चौथी बात जिस पर मैं एंटर करना चाहूंगा, आपने ये वर्ड सुना होगा PAREN, PAREN T, इसको सब मिला दे तो क्या बनता है। अब आप देखिए एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए और नोट करते जाना और भूले ना। पी की जब मैं बात करता हूं पेरेंट के हिसाब से तो मैं कहता हूं पिक्चर, आपके दिमाग में आपके बच्चे को लेकर क्या पिक्चर चलती है, आपकी पिक्चर क्या है बच्चे को लेके, आपकी पिक्चर क्या है जिंदगी को लेके। पेरेंट का पहला पी हो गया पिक्चर। दूसरा आता है ए, ए को जरा नोट करना शुरू करें, ए का मतलब है एटीट्यूड। मेरे घर में दो चीज बैन है, मैं आपको बता दूं बैन है, एक ऊंची आवाज में बात करना, मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं स्पीच दे रहा हूं, बट मेरे घर में आप आइए, एक लेवल बना रखा है कि इस लेवल को पार नहीं करना है, क्योंकि जितनी आवाज गहरी होगी, जितनी आवाज सॉफ्ट होगी उतना अंदर तक गहराई में आप जाते हैं, मैं पहुंच पा रहा हूं। और दूसरा ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो घर का वातावरण खराब कर दे, बिल्कुल बैन। पहला हो गया पिक्चर, दूसरा जोर से रिपीट करें, तीसरा जिसको हम कहते हैं आर, तीसरा हो गया रेस्पेक्ट। ये सारे हस्बैंड वाइफ के लिए, ये सुन लीजिए जरा, ये अगर आप नहीं कर रहे तो अच्छे पेरेंट नहीं बन पाएंगे। अगर आपके दिल में आपके पार्टनर के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है तो वो बच्चा कभी रेस्पेक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को तू तड़ाक की लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको हमेशा नीचा दिखाते हैं, बच्चे के सामने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, सेम चीज वही बच्चा अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर के लिए यूज करेगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे, हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर लाइफ पार्टनर। और जब आप अपने लाइफ पार्टनर को इंट्रोड्यूस करें तो बहुत फक्र के साथ इंट्रोड्यूस करें कि अगर ये ना होते तो मैं नहीं हूं, इनकी वजह से मैं। ये संस्कार धीरे धीरे बच्चे में चैनलाइज होंगे, जब उसकी शादी होगी तो वो भी वो संस्कार अपने घर में चैनलाइज करेगा। संस्कार नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो पी का मतलब हम रिपीट भी करते जाएंगे, पी का मतलब हो गया पिक्चर, ए का मतलब हो गया एटीट्यूड, आर का मतलब हो गया रेस्पेक्ट, आगे चलते हैं, ई का मतलब हो गया एग्जाम्पल। बच्चे डिक्टेशन से नहीं बदलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से बदलते हैं। आप उनको कहेंगे झूठ बोलना गलत बात है, आप खुद झूठ बोलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। दुनिया की तीन महान बीमारियां हैं, इसको मन में कहीं नोट कर लें, इसको कहते हैं मानसिक रोग, मेंटल डिजीज। पहली बीमारी का नाम है नफरत, दूसरी बीमारी का नाम है जेलेसी, जलन, और तीसरी बीमारी का नाम है ग्रीड, लालच। अगर आप इस तीन बीमारियों के शिकार हैं और इन तीन बीमारी को घर में पाल रखा है तो बच्चा कभी भी एक हैप्पी हेल्दी लविंग बच्चा नहीं बन पाएगा, वो इन तीनों बीमारियों को आगे कैरी करेगा। तो आपका बिहेवियर
दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बिहेवियर, नॉट टू बेस्ट एक्टिविटीज, यानी उन चीजों को ना कर देना है जो आपको अच्छे पेरेंट बनाने में मदद नहीं करता, उन काम को मना कर देना है जो आपको एक अच्छे पेरेंट बनाने में मदद नहीं करता, उन दोस्तों का कर लेना है जो आपके घर को तोड़ने का काम करते हैं। तो आज घर में जाके एक लिस्ट बनाइएगा किन किन दोस्तों को ना करना है, आप ध्यान दीजिए क्या क्या चीज आपको बदलने की जरूरत है, किन किन चीजों को ना करने की जरूरत है। सो पी स्टैंड्स फॉर पिक्चर, ए स्टैंड्स फॉर एंड देन आर स्टैंड्स फॉर, ई स्टैंड्स फॉर, एन स्टैंड्स फॉर नो टू बेकार एक्टिविटीज, एंड फाइनली टी स्टैंड्स फॉर टाइम टू टॉक। दोस्तों 18 साल मेरे विवाह के हो गए, सुबह 8:30 बजे डॉट मेरी वाइफ 2 कप चाय तैयार करके लाती है। 18 साल जब भी दिल्ली में होता हूं, 1 दिन मिस नहीं हुआ है। 18 साल में मेरे विचार से ये काम 1800 से बार बार कर चुकी है। डॉट 8:30 बजे चाय आती है और 8:30 से 9 हम और वो चाय मिलकर पीते हैं बैठ के एक साथ। 2 बिस्किट आते हैं मेरे लिए, 1 उनके लिए आता है, मैं आपको क्वांटिटी भी बता दे रहा हूं। और उस समय आधे घंटे में हम पूरे दिन को रिव्यू करते हैं, कल का दिन कैसा बीता, पूरा वीक कैसा बीता, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, आगे जिंदगी में क्या करना, ये 18 साल से मैं कर रहा हूं। और मैं मानता हूं ये आधे घंटे ने हमारी 18 साल की जिंदगी को बेटर बना रखा है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं अगर मेरी बात पहुंच रही है, आधे घंटे की अगर आपके पार्टनर के लिए आपके पास नहीं है तो आप रिश्ते को ढो रहे हैं, जी नहीं रहे। अगर आधे घंटे आपने अपने पार्टनर को दे दिया, लेकिन याद रखिए उसमें मोबाइल नहीं चलना चाहिए, उसमें व्हाट्सएप नहीं चलना चाहिए, वो साइड कर दीजिए, वो आधे घंटे उसके हैं, उसको ये फीलिंग आपको देनी है कि हाँ तुम मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। और बच्चे को अगर आप आधे घंटे नहीं दे रहे तो कर, एक दिन सप्ताह में ऐसा होना चाहिए कि आप शाम को एक साथ बैठ के डिनर करें। हमारे यहाँ 3 दिन एक साथ हम बैठ के डिनर करते हैं। टी स्टैंड्स फॉर टाइम टू टॉक। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी, सबका धन्यवाद। और ऐसी यात्रा जारी रहे, हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ मदर बहुत बेहतरीन बीते और आप और भी प्यार से भरे हों। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और प्रार्थना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।